दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एल्युमिनियम फॉइल की मदद से इस तरह का टेक्सचर्स वाला गमला कैसे बनाया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस आगे मिलते रहें। तो सबसे पहले हमने इस तरह का एक कंटेनर ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एल्युमिनियम फॉइल है, तो एल्युमिनियम फॉइल को हम अपने कंटेनर के हिसाब से मेज़र कर लेंगे और मेज़र करने के बाद उसे वहाँ से हम टियर करके अपने कंटेनर में रैप करेंगे। अब हम इसे धीरे धीरे क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद इसे फिर धीरे धीरे ओपन करेंगे। इससे इस एल्युमिनियम फॉइल पे बहुत ही अच्छा टेक्सचर उभर के आ जाता है। तो इस तरह से हमने इसे क्रश कर लिया और अब हम इसे स्लोली ओपन कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर उभर के आ चुका है। तो यही टेक्सचर्स हमें अपने गमले पे भी चाहिए, तो इसलिए हम इस एल्युमिनियम फॉइल को इस कंटेनर पे रैप करेंगे। तो ये एक छोटा सा पीस है, इसे मैं यहाँ पे इस तरह से रैप कर लेता हूँ। तो इससे हमारा कंटेनर पूरी तरह से ढक नहीं रहा है, तो इसी तरह का हमें दो चार पीसेस और बना लेने हैं और पूरे कंटेनर को अच्छे से हर एक सरफेस को बहुत ही अच्छे से हमें ढक देना है। और जो इसके साइड्स हैं उसे हम अपने कंटेनर के अंदर की तरफ फोल्ड करके बहुत ही टाइटली इसमें फिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरे अपने कंटेनर को अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास एक थिक सा सीमेंट पेस्ट है, तो इस सीमेंट पेस्ट को हमें कंटेनर के चारों ओर अच्छे से सेट कर लेना है। तो हमें इसे स्लोली स्लोली इस पर वर्क करना है। अब हमने इस पर स्लोली से ये सीमेंट पेस्ट जो है वो हमने लगाना इस पर चालू कर दिया है। अब जब आप इसे स्पून से लगा रहे हो तो ये ध्यान रखें कि इस पे ज़्यादा प्रेस ना करें, नहीं तो आपका जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा, वो टेक्सचर उतने अच्छे से उभर कर नहीं आएंगे। तो इस तरह से हमने पूरे अपने कंटेनर पे एक सीमेंट का कोटिंग कर दिया है। कोटिंग करने के बाद इसके थोड़े से जो साइड वाले एजेस रह गए हैं ऊपर में, उसे भी हमने इस तरह से अब कवर कर लिया है। अब हमारे पास ये सीमेंट और सैंड मिक्सचर है, तो हमने सीमेंट और सैंड मिक्सर 3:1 में बनाया है, 3 parts सैंड एंड 1 part सीमेंट। और इसे थोड़ा सा मॉइस्ट ही रहने दिया, बहुत ज़्यादा गीला हमें इसे नहीं करना है। अब इस वाले मिक्सचर को हमें अपने कंटेनर में धीरे धीरे करके डालना है। तो मैं इसकी मदद से इस कंटेनर में धीरे धीरे ये मिक्सचर्स को डाल रहा हूँ। तो इन सारे मिक्सचर्स को हमें एक साथ नहीं डालना है, बस थोड़े थोड़े मिक्सचर्स को हम डालेंगे। तो यहाँ पर कुछ मिक्सचर्स मैं डालता हूँ जिससे कि हमारा बॉटम पार्ट जो है वो पूरी तरीके से भर जाए। तो अब हमारा आप देख सकते हैं ये सफिशिएंट अमाउंट में हमने डाल लिया है जिससे कि हमारा बॉटम पार्ट जो है पूरी तरह से कवर हो गया। अब एक हमें स्पून ले लेना है, आप स्पून थोड़ा सा और बड़ा भी रख सकते हैं। तो इस स्पून की मदद से आप इसे स्प्रेड करें इक्वली, चारों धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे और नीचे की तरफ से सेट करते हुए हमें ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाना है। तो नीचे की ओर इस तरह से हम सेट कर लेंगे और उसके बाद इसे धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके आएंगे, और जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम एक्स्ट्रा मिक्सर इसमें डालते जाएंगे। तो इस तरह का आप कोई भी टूल ले सकते हैं और यहाँ पे रख के इसे जेंटली धीरे धीरे प्रेस करना है और ऊपर की ओर इस पेस्ट को अच्छे से सेट करते जाना है। और हमने इसमें पहले से पेस्ट लगा रखा है जिसके कारण ये अच्छे से सेट हो पाएगा। मैं यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि ये प्रोसेस हमारा जल्दी से ख़त्म हो जाए, बट आपको यहाँ पे स्लोली पूरा टाइम लेके आराम से इसे बनाना है। अब जो हमारा ये प्रोसेस लगभग में ख़त्म हो चुका है और आप देख सकते हैं यह फाइनल जो है हमारा इस पार्ट को हमने अब ये कवर कर लिया, और इस तरह से इसके चारों ओर हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब आप नीचे में देख सकते हैं कुछ जो सीमेंट मिक्सचर है वो हमारा बच गया है, तो उसे हम इस टूल की मदद से बाहर निकाल लेंगे और फिर वापस से इस बॉटम को भी हमें प्लेन कर देना है। तो जो एक्स्ट्रा मिक्सचर्स हमारे पास बच गए थे उसे मैंने बाहर निकाल लिया और अब हमने बॉटम को बहुत ही नीटली क्लीन कर दिया है। अब इसमें जो एक होल है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसमें एक ड्रेनेज होल बना लेंगे। तो इस पाइप की मदद से आपको भी इसी तरह का कोई पाइप का ही यूज़ करना है जिससे कि ड्रेनेज होल आपका बहुत ही ज़्यादा क्लीन बने। अब इसके जो किनारे वाले सरफेस हैं उस पर मैं सीमेंट का एक मिक्सचर फिर से डाल रहा हूँ जिससे कि किनारे जो है थोड़ा सा हार्ड हो सके जल्दी और वो ज़्यादा स्मूथ लगे देखने में। तो हमने यहाँ पे किनारों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ बना लिया है और 24 आवर्स हम इसे सूखने देंगे, सूखने के बाद ही इसे बाहर निकालना। तो 24 आवर तक ये अब सूख चुका है, मैं इसे अब बाहर निकाल रहा हूँ। तो किनारों को पहले आप इस तरह से थोड़ा सा
लूज कर लें, उसके बाद इसे जस्ट अपसाइड डाउन कर दें और ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल के चला आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल के चला आया है और इसमें जो टेक्सचर्स आए हैं वो भी बहुत ही अच्छे टेक्सचर्स यहाँ पे उभर के आए हैं और हमारा प्लास्टिक कंटेनर भी बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। यहाँ पे जो छोटे छोटे अल्मीनियम फॉइल्स चिपके रह गए हैं उसे हमें बहुत ही सॉफ्टली धीरे धीरे करके बाहर निकाल लेना है। अब हम इसे पानी में डुबोकर टोटल 24 आवर्स तक वापस इसे फिर से छोड़ देंगे जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाए और इसके आउटर सरफेस के जो टेक्सचर्स हैं वो जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो इस तरह से हमने इसे पूरी तरीके से पानी में इस तरह से डुबो देना है। आप चाहें तो इसे पूरी तरीके से भर दें और उसके बाद हम इसे 24 आवर्स छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब हम इस पर पेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर में प्राइमर से वाइट कलर से पेंट कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे गुड क्वालिटी का पेंट यूज़ किया, तो आप भी कोई गुड क्वालिटी का पेंट यूज़ करें जिससे कि इस प्राइमर से पेंट कर देने के बाद हम इसे ब्लैक कलर से पेंट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ब्लैक पेंट ले लिया है और अब हम इसे ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। ब्लैक पेंट कर देने के बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पूरी अच्छे तरीके से सूख ना जाए तब तक हम अगले प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तभी हमें अगले प्रोसेस पे जाना है। तो यहाँ पे हमने एक डिश वॉश स्क्रब ले लिया है और यहाँ पे हमने गोल्डन पेंट ले लिया है। तो इस स्क्रब पे हमें इस गोल्डन पेंट को साइड में कहीं पे एक जगह धीरे धीरे छोटे अमाउंट में लगा लेना है और इसी स्क्रब की मदद से हम इस पे टेक्सचर्स को उभारेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसे जेंटली धीरे धीरे करके यहाँ पे आप टच करते जाइए और यहाँ पे टेक्सचर्स आप जो देखेंगे बहुत ही अच्छा टेक्सचर्स निकल के सामने आएगा। आप स्क्रब के जगह पे सूती कपड़े या तो फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी टेक्सचर्स आपके इसी तरीके से बनेंगे। अब ये जो हमारा गमला है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।